राजा काफी संख्या में तोता पाला करते थे, काफी शौक से। काफी जमीने मतलब रखे हुए थे, उनमें जो फसल बोता था सिर्फ तोता को ही खाने के लिए। तो उस राज्य में मतलब क्या हो गया कि एक ऐसा नियम था कि किसी को दंडित नहीं किया जाता था उस राज्य में। कोई भी व्यक्ति गलती कर देता था ना तो उसको दंड नहीं दिया जाता। तो एक बार क्या हुआ कि वहां पर शिकारी आकर के मतलब जो है कि जाल में देखना तोता को फंसा फंसा करके तोता को मतलब कोई बोलो शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। क्या कहता है बोलो? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। मतलब फिर से सिखाता है कि बोलो शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। तो दोस्तों वह दाना को चुग रहा है और उसको बज रहा है, फंस रहा है, जाने पैर फट जाता है। तो इस तरह से हो रहा है और बोल भी रहा है साथ, क्या बोल रहा है? शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, लोभ से उसमें फंसना नहीं। इस तरह से बोल रहा है। राजा जब नजदीक जाता है तो तोता ने राजा को खुश करने के लिए कि हमारा जो हमें जो राजा ने सिखाए हैं उन सभी बातों को दोहराने से राजा क्या हुआ, काफी खुश हुआ। राजा को मतलब किसी बात को दोहराने लगता है कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग से उसमें फंसना नहीं। शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग से उसमें फंसना नहीं। तो राजा ने कहता है कि देखो छोटे दिमाग में जोर दो, अपने दिमाग में जोर दे करके बैठाने का प्रयास करो कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, लोग से उसमें फंसना नहीं। ऐसा तुमको करने बोले थे, सिर्फ देख करके मतलब बोलने के लिए नहीं बोले थे। गलत कर भी रहे हो और गलत बोल भी रहे हो। सही तो ऐसा है ना कि